वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम बनाएंगे चाइनीज रोटी। रोटी जो हमारी बच जाती है दोपहर में, जैसे कि ये हमारी रोटी बच गई है दोपहर इसकी, तो अब रात में हम इसको इस तरह से किसी को खाना पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको अब एक इनोवेटिव तरीके से बनाएंगे और फिर खाएंगे। जिनके लिए जिसके लिए हमको सामान चाहिए, ये रोटी है दोपहर की। मैंने दो रोटी ली है जिसको कि मैं अभी कट करूंगी, लंबी लंबी काट के फिर और छोटी करके पास्ता टाइप। ये सामान जो हमको चाहिए इसके लिए है, ये हमको चाहिए स्प्रिंग ऑनियंस, ये प्याज छोटे एक मीडियम प्याज कटा हुआ, ये कैप्सिकम कटी हुई है, ये चार पांच तुरिया लहसुन की छोटी छोटी काटी हैं, और ये ग्रीन चिलीज हैं, तीन ग्रीन चिलीज छोटी कटी हुई। ये सॉस है, ये टेबल सॉल्ट है मतलब नॉर्मल सॉल्ट, ये ब्लैक पेपर, विनेगर है आप देख सकते हैं, ऑयल है हमारे पास, और ये सोया सॉस है, और ये पैन है जिसमें हम इसमें बनाएंगे। तो अब मैं पैन को ऑन करती हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी ऑयल, थोड़ा ऑयल ज्यादा डालेंगे, ऑयल थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम अभी लहसुन डालेंगे और साथ ही में इसमें हरी मिर्ची भी डालेंगे। जरा सा जब लहसुन खुशबू आने लगे, जरा हल्का सा फ्राई हो जाए, क्योंकि चिली रोटी डाइट स्टॉप कर सकते हैं, तो वो चिली का जो और गार्लिक का जो फ्लेवर आता है वही मेन होता है इसमें। ये देखिए, ये लहसुन थोड़ा सा पक गया है और मुझे इसकी महक भी आ रही है, तो इसमें मैंने प्याज डाल दिया, एक मीडियम प्याज मैंने, अगर आप चाहें जैसे लंबा लंबा काट के डाल सकते हैं या स्क्वायर कट करके डाल सकते हैं, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। हल्का सा प्याज रहेगा, जिसके साथ साथ ही आप बना सकते हैं अगर आपने सामान रेडी रखा है तो। ये कैप्सिकम भी मैंने इसमें डाल दी है, अगर आपको बड़ी कैप्सिकम नहीं पसंद आप छोटी डालना चाहते हैं आप छोटी डाल दीजिए, उसमें नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, क्योंकि सॉस वगैरह से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। क्योंकि चिली गार्लिक एंड सॉस डालने से ही वो चिली चिली पनीर जैसे बनाते हैं या चिली चिकन बनाते हैं, उस तरीके से ये चिली रोटी हम बनाएंगे। ये बस बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है, जैसे ये थोड़ा पक जाए उसके बस इतना ही हो जाए। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच सोया सॉस, सोया सॉस डाल के हम थोड़ा इसको चलाएंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच टमाटर सॉस, थोड़ा सा इसको भी मिक्स कर लेंगे, और इसमें डालेंगे एक चम्मच विनेगर, इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि इन सब सॉसेस में भी बहुत सॉल्ट रहता है, और थोड़ी सी हमने इसमें डालनी है पेपर, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है, तो बहुत ज़्यादा ना डालें। लेकिन ये देखिए, ये चाइनीज टाइप आपको अब दिख रहा है कि ये चिली वाला मसाला रेडी है। इसमें आप चाहे नूडल्स डाल सकते हैं बॉयल करके, आप रोटी डाल सकते हैं अगर आपको पनीर चाहिए, आप पनीर भी इसमें डाल सकते हैं। ये मसाला चला है, मसाला पूरा रेडी है। अब हम इसमें ये देखिए रोटी मैंने इस तरह से काट के रखी थी, ये रोटी भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ये जो स्प्रिंग ऑनियन है ये आधी ऑनियन डाल देंगे, आधी हम ऊपर से डालेंगे, एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। ये दो पराठे मैंने लिए हैं, इसके लिए मैंने मीडियम प्याज लिया है, ये आधी कैप्सिकम ली है, और एक आधा स्प्रिंग ऑनियन की गड्डी जो होती है उसका ग्रीन लिया है मैंने, तीन हरी मिर्ची ली है, चार पांच लहसुन लिया है। ये बस हमें ये है मेरे सामने, मैं इसको चलाई भी करती थी और ये रेडी है। और ये बाकी जो बची हुई स्प्रिंग ऑनियन था ये भी हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे, और बस ये हमारा तैयार हो गया चिली रोटी। अब हमको हम इसको शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में या प्लेट में, और इसको हम डिनर की तरह या लंच की तरह किसी भी तरीके से इसको बना के खा सकते हैं। मैं इसको शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए, ये हमारी चिली रोटी बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लग रही है। आप इसे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारी इस तरह की कुछ डिशेज मैं लाऊंगी आपके लिए, इजी एंड फास्ट एंड फटाफट बनने वाली, जो आप कभी लेफ्ट ओवर्स में से भी बना सकते हैं। थैंक यू, सी यू सून।